रानी, नगरीय विकास मंत्री व प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा था। वे आज रानी पंचायत समिति के पुनाडिया ग्राम में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम अभियान में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण आज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अब लक्ष्य निर्धारित कर सभी को पेड़ लगाकर उन्हें संरक्षित करना, जिससे धरती हरी भरी हो सके। उन्होंने कहा कि पौधारोपण करना सरल काम, लेकिन उसके पेड़ बनने तक संरक्षित करना बड़ा कठिन काम है, इसलिए सभी लोग अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाकर उसे संरक्षित करें। इससे पहले ज्वाला माता मंदिर के पास रानी व बिजोबा भाजपा मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने साफा माला पहनाकर कर मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक केसाराम चौधरी ने कहा कि पौधारोपण कर उसका संरक्षण करने की प्रशासन के साथ आम जन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुनाडिया ग्राम जो कहता है करके दिखाता है, इसलिए इस गांव के ग्रामीण साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने प्रशासन के साथ साथ पेड़ों की सार संभाल की जिम्मेदारी ली है। इस अवसर पर जिला प्रमुख श्रीमती रश्मि सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार, CEO NK राजोरा ने भी संबोधित करते हुए कहा, कार्यक्रम तभी सफल होगा जब इसमें जनभागीदारी के साथ सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पेड़ लगाकर उनका संरक्षण करेंगे। इस अवसर पर विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुनाडिया ग्राम की 25 बीघा से अधिक भूमि पर 2000 से अधिक पेड़ लगाकर संरक्षण के लिए तारबंदी की गई है। साथ ही सकन पॉन्ड व मॉडल तालाब के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, IG ओम प्रकाश, प्रभारी सचिव PC किशन, प्रधान श्याम कंवर, पालिका अध्यक्ष भरत राठौर, पालिका उपाध्यक्ष डालचंद चौहान, जिला परिषद सदस्य सुशीला कंवर, भाजपा मंडल अध्यक्ष ज्योतिलाल वैष्णव, बिजोबा मंडल अध्यक्ष हरिकृष्णा चौधरी, SDM सिद्धार्थ साधु, एडिशनल SP चैन सिंह महचा, वृत्ताधिकारी राजेश यादव, थानाधिकारी पन्नालाल प्रजापत, तहसीलदार मनोहर सिंह, EO नरेंद्र सिंह काबा, अधिशासी अभियंता हरि सिंह राजपुरोहित, DFO बालारुगण, सरपंच चौथी देवी सहित ज्वाला मंदिर के जालम सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी ली। मेहरबानी हुई है, उससे बहुत सी जगह तकलीफ भी उत्पन्न हुई है, कुछ दुर्घटनाएं भी पाली जिले में हो गई, लेकिन फिर भी चूँकि अधिकांश लोग गांव में किसान वर्ग के लोग रहते हैं, किसानों के लिए भारी बरसात भी आने वाले समय में वरदान बनकर साबित होगी, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपूर भरपाई ये बरसात से आने वाले एक दो साल तक निश्चित रूप से होती रहेगी। परमात्मा इसी प्रकार मेहरबानी बनाए रखे। इन शुभकामनाओं के साथ सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता।